क्या साबित करना चाहती है मीडिया? दलित के साथ ऐसा धोखाबाजी क्यों करना चाहती है? मैं योगी सरकार को कहता हूँ कि अगर उससे वो राज नहीं संभालता है तो योगी सरकार अपना कुर्सी छोड़ दे। जी हाँ, मधुबनी की धरती से यूपी की हथरस की बेटी मनीषा को न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी मधुबनी एवं आजाद समाज पार्टी मधुबनी द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। इस कार्यक्रम में मधुबनी जिला के विभिन्न छात्र संगठनों ने भाग लिए एवं सामाजिक संगठनों ने भी साथ दिया। आइए आपको बताते हैं कि मधुबनी जिला में भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी कैंडल मार्च क्यों निकाला गया है और इसका मुख्य कारण क्या है। आइए हम जानकारी प्राप्त करते हैं भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव संजय पासवान जी से, वो क्या कहना चाहते हैं इस घटना के संदर्भ में। सबसे पहली बात तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी दोनों एक ही है, अलग नहीं है। और जो यूपी में यूपी के हाथरस में जो घटना घटी है बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ, वो काफ़ी जितनी भी निंदा की जाए उससे भी घोर निंदा के लायक है। मुझे याद है जब 2017 में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रचार करते थे कि यूपी में हर रोज माँ बहन की बलात्कार होती है, माँ बहन घर से बाहर नहीं निकल पाती है, और वही आज देखने को मिल रहा है 2020 में, जिसकी सरकार भाजपा के योगी आदित्यनाथ गद्दी पर बैठे हुए हैं और इतनी बर्बरतापूर्ण घटना हुई। इतना ही नहीं, एक माँ की दर्द का पीड़ा नहीं समझ सका योगी और यूपी की पुलिस। अपनी बेटी की लाश को आग नहीं दे पाए, उसके घर के परिजनों को बंद कर दिया गया। ऐसी है यूपी पुलिस की बर्बरता। वहाँ पर हम लोग घोर निंदा करते हैं और सभी भाइयों से आग्रह करते हैं, निंदा करते हैं कि इस आंदोलन को तेज करे, इतना तेज करे कि योगी को अपने पास से इस्तीफा देना पड़े। योगी सरकार मुर्दाबाद, 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 योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और जो दोषी है उसको 6 महीने के अंदर फांसी की सजा दी जाए। जब निर्भया कांड के दोषी को फांसी की सजा मिल सकती है तो बहन मनीषा वाल्मीकि के दोषी को क्यों नहीं मिल सकती है? हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं, हम देश के राष्ट्रपति से हम लोग मांग करते हैं, भीम आर्मी के माध्यम से मांग करते हैं कि आप जल्द से जल्द 6 महीने के अंदर उस दोषियों को फांसी की सजा दें और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की राशि दें और साथ ही एक सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाए। नहीं तो भाई चंद्रशेखर रावत ने ऐलान किया है कि पूरे देश में आंदोलन होगा, वो होके रहेगा, बाद बाकी सारी पसीना छूट जाएगी भाजपा सरकार की, इस बार लेने की देनी पड़ जाएगी उनको। योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है, मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है, क्योंकि पुलिस हाय 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 हाय। संजय जी आपसे बात करेंगे कि लगातार घटनाएं दलितों के ऊपर होती है और घटनाएं दब जाती है, तो क्या लगता है कि ये मनीषा का जो मर्डर है और बलात्कार है, ये दोनों जघन्य घटना जो है, जैसा कि दिल्ली में जो घटना घटी थी बालिका जो नाबालिग बालिका के साथ घटना घटी थी, वैसा ही घटना यहाँ घटी है, तो क्या लगता है कि वैसा ही न्याय मिलेगा मनीषा को? पहले तो यूपी पुलिस ने इस घटना को दबाने की प्रयास किया, भरपूर प्रयास किया, लेकिन जब चंद्रशेखर भाई वहाँ पहुँचे तो उनको मजबूरन इस केस को रजिस्टर करना पड़ा। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस ने कहा कि गैंग रेप नहीं हुआ। जब पीड़िता ने बयान दी तो पता चला कि गैंग रेप उनके साथ हुआ है। अब ये रुकने वाली बात नहीं है, ये हम लोगों ने ठान लिया है, भीम आर्मी के लोगों ने ठान लिया है, देश के बहुजनों ने इसको ठान लिया है। हम लोग बहन मनीषा को न्याय दिला के छोड़ेंगे, चाहे जिस कीमत जिस हद तक जाना पड़े हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। जिस प्रकार से मीडिया जो इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है, तो क्या मीडिया से आप उम्मीद लगा सकते हैं कि इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा को बनाएगा? मीडिया से तो हम उम्मीद नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन जितने भी हमारे साथी हैं जो सोशल मीडिया में बने रहते हैं उनसे जरूर उम्मीद है कि इसे हम राष्ट्रीय मुद्दा बना देंगे। आप ट्विटर पर हैशटैग करिए, फेसबुक पर चलाइए, चूंकि मीडिया जो है उसको भाजपा सरकार ने खरीद कर रख लिया है, वो भाजपा के विरोध कोई भी ऐसी घटना है जिसको चला नहीं सकता है, तो हम लोग मीडिया से उम्मीद नहीं कर सकते हैं इस तरह की घटना को चलाएगा, क्योंकि आज 16वें दिन हो चुका है उस घटना की, आज 16वें दिन हो चुका है जी। और जी बताइए, आप अपना परिचय दें और बताइए। मैं श्रवण कुमार पासवान, मेरा गृह निवास बासुपट्टी, मैं भीम आर्मी से जुड़ा हूँ और सोशल वर्कर हूँ। चाहे राज्य की घटना हो, अदर स्टेट की घटना हो, हम हर घटना में
उसके विरोध में कार्यक्रम चलाते रहते हैं। विगत दिनों दरभंगा में बहन ज्योति पासवान के साथ जो घटना हुई, उसे गैंगरेप करके उसे मार दिया गया, हत्या कर दी गई। मैं उस घटना में भी भाई चंद्रशेखर आजाद की अगुवाई में पूरे दरभंगा, पूरे बिहार के भीम आर्मी सभी एक साथ एकजुट होकर के वहां के आईजी साहब को एक हम लोगों ने लिखित समय सीमा दिया चंद्रशेखर भाई के नेतृत्व में, और उन्होंने वादा किया कि मैं 20 दिनों के अंदर उसको अरेस्ट करेंगे। ठीक 17वां दिन अर्जुन मिश्रा को अरेस्ट किया गया, क्योंकि हम लोग जब सजग हो गए हैं तो हमें उम्मीद है, हमारे अपने भीम आर्मी के साथियों पर भरोसा है कि जब तक दरिंदों को फांसी नहीं दी जाएगी तब तक हम लोग इस आंदोलन को तेज रखेंगे, इससे भी तेज आंदोलन करेंगे। जब तक फांसी की सजा नहीं होगी तब तक हम लोग, अगर योगी सरकार, मोदी सरकार इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर अगर इसको ट्रायल करके अविलंब फांसी की सजा दे, नहीं तो हम इस इलेक्शन के बाद तुरंत पूरे देश का चक्का जाम करेंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी योगी सरकार और मोदी सरकार की होगी, और मुझे पूरा भरोसा है अपने साथियों पर, भीम आर्मी के साथियों पर, पूरे देश स्तर में हम चक्का जाम कर देंगे। ये हम ऐलान कर देते हैं, अभी नहीं, इलेक्शन के बाद। अब आइए हम जानकारी प्राप्त करते हैं, आपको बताना भूल गए थे कि इस कार्यक्रम में भीम आर्मी सहित अनेक संगठन, छात्र संगठन भी भाग लिए हुए हैं, जिसमें हम आज आरके कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष से बात करेंगे कि इस मुद्दा को आप लोग किस प्रकार से देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं योगी सरकार को नाकामयाबी घोषित करता हूं कि वो इस मामला को इस तरह से दबा रही है। वो तो दो पक्ष लेती है, दलित एक तरह बोलती है कि हिंदू और मुस्लिम, वही दलित को जब हिंदू नहीं मानती है वो सरकार, तो उस पर अत्याचार क्यों कर रही है। आज जो यूपी पुलिस ने जिस तरीका से रात में, रातों रात 10 बजे रात में उसकी लाश को जो जला दिया गया है, न उसके परिजन को सौंपा गया है, अपने आप जो है सो जला दिया गया है उसके लाश को, उसके परिजन को सौंपना चाहिए था उसके लाश को। और आप बताते हैं कि मीडिया की बात, हाल ही में देख लीजिए सुशांत सिंह राजपूत की बात ले लीजिए, उसके लिए पूरे मीडिया संघ जो है, राष्ट्रीय मीडिया जो है उछाल के 2 महीना के अंदर उसको जो है जेल भेज दिया गया। और यहीं पे एक दलित के साथ यहाँ घटना घटती है तो मीडिया चुप होती है, ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्या साबित करना चाहती है मीडिया? दलित के साथ ऐसा धोखाबाजी क्यों करना चाहती है? मैं योगी सरकार को कहता हूँ कि अगर उससे वो राज नहीं संभरता है तो योगी सरकार अपना कुर्सी छोड़ दे और नीचे किसी दलित को छवा दे वहाँ पे योगी सरकार, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और जैसा कि देखे हैं कि सुशांत के मामले में साधारण केस को ले जाकर के सीबीआई तक यहाँ जो है जांच हुआ है, तो क्या इस मामले में यदि मैं मांग करना चाहता हूँ भारत सरकार से कि मनीषा कुमारी का भी जांच सीबीआई को ही सौंपा जाए, और नहीं सौंपती है भारत सरकार तो वो दो नेत्री रखती है अपनी सोच, दलित के साथ ऐसा दुर्भाग्य क्यों करती है। बीमारी महासचिव से एक बार एक क्वेश्चन और करेंगे कि यह राजनीतिक मर्डर नहीं लग रहा है जिस प्रकार से प्रशासन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से जो इस घटना को लगातार 14 दिनों से छुपाने का प्रयास किया गया है, और जैसा कि छात्र संघ अध्यक्ष ने कहा है कि प्रशासन जो है सो मिली भगत करके उनके सब को परिजन के बिना अनुमति के जला दिया गया है, तो यह एक प्रकार का राजनीतिक हत्या नहीं है। और दूसरी बात कि दलित है, इस गरीब है, इसलिए उनके सब को इस प्रकार उनके साथ किया जा रहा है। ये घटना आपको गैंगरेप का है, लेकिन इसे राजनीति रंग दे दिया गया भाजपा के द्वारा, क्योंकि वो जो भी थे सारे लोग जो थे उसे भाजपा का समर्थन प्राप्त लगता, जिन्होंने गैंगरेप किया खासकर योगी का समर्थन प्राप्त था उसको, इसीलिए योगी ने इसको दबाने का प्रयास कर। निश्चित तौर पर हमको तो लगता है देश में दलित होना गुनाह हो गया है, वोट आपसे ले लेती है और जुल्म आप पर ही करती है। अभी के बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, और जो आपसे वोट लेता है वो चुपचाप तमाशा देखता है और बलात्कारियों का साथ देता है। इसमें कोई कतई संदेह नहीं है कि योगी सरकार, भाजपा की सरकार बलात्कारियों के साथ एकदम 100% शामिल है। जैसा कि पायल तलवी के साथ घटना घटी थी, रोहित बेमूला के साथ घटना घटी थी, तो उसी प्रकार मनीषा के साथ घटना घटी है, तो लगता है कि आपको इस सरकार से उम्मीद कर सकते हैं कि जो न्याय मिलेगी? हम सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन न्यायालय से उम्मीद करते हैं
कि न्यायालय से हमें न्याय मिलेगी और हमें अपने साथियों पर, अपने संगठन के लोगों पर विश्वास है, इस लड़ाई को इतना मजबूत कर देंगे कि मजबूर होकर सरकार को भी झुकना पड़ेगा। जैसा कि जानकारी प्राप्त हुई है कि भीमार्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आवान जी को गुप्त स्थानों पर जो है सो यूपी पुलिस के माध्यम जो है सो यूपी पुलिस प्रशासन जो है सो उसको गुप्त स्थान पर जो है कैद करके रखा है, क्या ये मामला सही है? ये मामला सही है, चूंकि इसलिए मामला सही है, कहीं भी कोई घटना होती है, खास के अन्याय होती है, कोई बलात्कार होता है, तो वहाँ कोई नहीं पहुँचता है सिवाय एक शख्स, वो पहुँचता है चंद्रशेखर रावण। और यूपी में अगर यूपी के सरकार को, योगी को किसी से डर लगता है तो वो चंद्रशेखर रावण से डर लगता है। अगर आज चंद्रशेखर रावण को नजरबंद नहीं करता तो यूपी में आज ईंट से ईंट बज गई रहती, आज सारे लोग सड़कों पर रहते, मजबूर होकर उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। इसीलिए डर से, योगी ने डर से भाई चंद्रशेखर रावण को नजरबंद करके रखा है पुलिस के माध्यम से। साथियों, तो आप लोग देख रहे हैं कि मधुबनी में जो ये कैंडल मार्च है, संघर्ष मार्च है और भावभीनी श्रद्धांजलि है बहन मनीषा के लिए, यह एक प्रकार से जस्टिस दिलाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन है। और इस आंदोलन को प्रदेश भीम आर्मी अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव भीम आर्मी के अध्यक्ष पंकज जी और छात्र संघ के अध्यक्ष आर के कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष राहुल जी, आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक देवराज जी, तमाम संगठन से यहां पहुंचे हुए हैं और इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने का भी संकल्प लिए हैं। जब तक ये लोग चार, इन तमाम संगठनों के ऐलान है और मांग है कि जब तक बहन मनीषा को न्याय नहीं दिलाया जाता है तब तक यह अनवरत कार्यक्रम जारी रहेगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। मनीषा हम शर्मिंदा है, मेरा कातिल जिंदा है। मनीषा हम शर्मिंदा है, मेरा कातिल जिंदा है। यूपी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। यूपी पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय। योगी सरकार हाय हाय, हाय 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 हाय। बहुजनों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बहुजनों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। मनीषा हम शर्मिंदा है, तेरा कातिल जिंदा है। बहुजनों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। धन्यवाद साथी। तो आप देख रहे हैं नेशनल दिशा लाइव और इस लाइव को आप लोग निश्चित रूप से देखें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें।